दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान जब भी अपने सामने अपने आप से कोई बड़ा या ताकतवर इंसान देखता है तो वो खुद को उससे छोटा समझने लगता है और अपने सामने वाले इंसान को खुद से ताकतवर समझने लग जाता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि भगवान ने जिस भी इंसान को इस धरती पर भेजा है खुद की एक वैल्यू और खुद का एक वजूद देकर भेजा है। इसलिए हमें अपनी वैल्यू को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। चलिए इस बात को मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के रूप में समझाती हूँ। एक बार एक छोटे से गांव में एक आदमी पहाड़ों में पत्थर तोड़ने का काम करता था। वो दिन में कम से कम दो वक्त की रोटी खाने जितने पैसे तो कमा ही लेता था। एक बार वैसे ही वो अपने काम करके घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसके मन में ख्याल आया कि मैं भी कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मुश्किल से दो वक्त की रोटी मिलती है, ना कुछ और ज़्यादा खर्चा हो पाता है, ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या ही फ़ायदा है। काश मेरे पास कोई ऐसी शक्ति आ जाए जिससे मैं जो भी सोचूं मैं वो बन जाऊं। अब ये बात उसके दिमाग में घूमती रहती है। वो घर जाता है और खाना खाने लगता है, लेकिन उसका ध्यान खाने में नहीं होता, उसका ध्यान अब भी उसी बात में होता है कि काश मेरा वो सपना सच हो जाए। वो सुबह से काफ़ी थका होता है, इसलिए उसे बहुत जल्दी नींद आ जाती है। नींद में वो एक सपना देखता है जिसमें वो काम से घर वापस आ रहा होता है और उसके सामने एक शानदार और बड़ा सा घर था। वो अपने मन में सोचता है, काश मैं इस बड़े से घर का मालिक बन जाऊं। और साथ ही वो उस घर का मालिक बन जाता है तब उसे एहसास होता है कि हाँ, मेरे पास अब वो शक्ति आ गई जो मैंने मेरे सपने में सोची थी। लेकिन ये तो एक सपना था और उसकी ये खुशी भी कुछ ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि जब वो अपने बड़े से घर में आराम कर रहा था तब उसे खिड़की से कुछ शोर सुनाई दिया। जब वो खिड़की से देखता है तो वो पाता है कि बाहर एक रैली निकल रही थी। वो रैली एक पॉलिटिशियन की थी, हजारों लोग खड़े थे जो उस पॉलिटिशियन के नारे लगा रहे थे, उसकी जय जयकार कर रहे थे, उसके आगे सर झुकाकर खड़े थे। तब उस आदमी को लगता है कि इस बड़े से घर में इतना मज़ा नहीं आ रहा जितना मज़ा तब आएगा जब ये सभी लोग मेरे लिए नारे लगाएंगे। वो सोचता है, काश मैं पॉलिटिशियन बन जाऊं। और ऐसा ही होता है, वो साथ ही में वो पॉलिटिशियन बन जाता है और वो हज़ारों लोगों की भीड़ अब उसके लिए नारे लगाने लगती है, उसकी जय जयकार करने लगती है। वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसकी ये खुशी भी कुछ ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। वो साथ ही देखता है कि ऊपर से बहुत तेज़ धूप उसके मुँह पर पड़ रही है और धूप के कारण वो सर उठा के आसमान में देख नहीं पा रहा, अपनी आँखें ठीक से खोल नहीं पा रहा। तब उसे एहसास होता है कि हाँ, इस चीज़ से ज़्यादा मज़े वाली और ताकतवर चीज़ है सूरज बनना, क्योंकि सूरज की तरफ कोई आंखें उठाकर देख नहीं सकता, सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है। वो अपने मन में सोचता है, क्यों ना मैं सूरज ही बन जाऊँ। और वो साथ ही सूरज बन जाता है। उसे बहुत मज़ा आता है क्योंकि अब पूरी दुनिया को वो रोशनी दे रहा था, पूरी दुनिया को वो गर्मी दे रहा था और कोई भी इंसान उसकी तरफ सर उठाकर नहीं देख सकता था। लेकिन उसकी ये खुशी भी कुछ ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। पहले तो वो बहुत खुश था, लेकिन कुछ देर बाद वो देखता है कि काले और घने बादल आसमान में छा गए जिन्होंने उसे ढक दिया है। अब सूरज की रोशनी किसी तक नहीं पहुंच रही। फिर वो सोचता है, क्यों ना मैं ये बादल बन जाऊं, क्योंकि इन बादलों के आगे तो मेरी रोशनी भी नहीं टिक पाई। और ऐसा ही होता है, वो साथ ही बादल बन जाता है। अब तो उसे और भी मज़ा आने लगा। वो हवा में बहुत मज़े से घूम रहा था, बहुत मज़े कर रहा था। लेकिन साथ ही वो देखता है कि तेज़ आंधियाँ चलने लगती हैं, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और वो तेज़ हवाएं सभी बादलों को अपनी तरफ खींच लेती हैं। तब वो आदमी पाता है कि नहीं, इससे भी ज़्यादा ताकतवर कुछ और है और वो चीज़ हवा है। क्यों ना मैं हवा बन जाऊँ। और ऐसा ही होता है, वो जैसे ये सोचता है वो साथ ही हवा में बदल जाता है। अब तो उसे और मज़ा आने लगता है। वो जब चाहता आराम करता और जब चाहता आंधी तूफान में बदल जाता। वो बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा मज़े कर रहा था, लेकिन उसकी ये खुशी भी कुछ ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि वो ये पाता है कि जब हवा चल रही थी तो सामने एक बड़ा सा पहाड़ आता है जो पहाड़ उस हवा को रोक देता है। वो आदमी बहुत कोशिश करता है लेकिन उस पहाड़ को हिला नहीं पाता। तब वो ये सोचता है, क्यों ना मैं ये पहाड़ बन जाऊं, क्योंकि इस पहाड़ ने तो हवा को भी हरा दिया। और जैसे ही वो ये सोचता है वो पहाड़ में बदल जाता है।
अब तो वो और खुश हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो पाता है कि उसके शरीर पर बहुत दर्द होने लगी। तो जैसे ही वो आंखें खोल के देखता है, उसे लगता है कोई आदमी उसे एक हैमर से तोड़ रहा था, उसके पत्थरों को तोड़ रहा था। तब वो सोचता है क्यों ना मैं ये आदमी बन जाऊं जो मुझे यानी इतने बड़े पहाड़ को तोड़ने की शक्ति रखता है। लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं पाता। जब वो ये सोचता है कि मैं इस आदमी में बदल जाऊं, तो वो बदल नहीं पाता। अब उसके शरीर पर और दर्द होने लगती है और साथ ही उसकी नींद खुल जाती है। और जब उसकी नींद खुलती है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि वो तो एक सपना देख रहा था और वो उस आदमी में इसलिए नहीं बदल पाया क्योंकि वो आदमी तो वो खुद ही था। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी वैल्यू क्या है और वो कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, क्योंकि जो उसने सोचा था कि एक पहाड़ जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उससे ज़्यादा ताकतवर तो वो खुद वो आदमी था जो उस पहाड़ को तोड़ने की शक्ति रखता था। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी वैल्यू को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और ना ही अपने आप को किसी से कम और छोटा समझना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।